सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन के साधन पाद में हम यम नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने बताया था योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होगा। योग के अंगों का मात्र पठन पाठन करने से या श्रवण करने से अशुद्धि का नाश नहीं होगा, तो वो तो प्रारंभ है। उसके बाद उनका अनुष्ठान करना होगा, और उसमें भी योग अंगों में भी जो पहले अंग हैं यम और नियम। तो यहाँ पर शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान आदि नियमा, ये पांच नियमों के बारे में हम भाष्य में पढ़ रहे थे। शौच क्या है, शुचिता क्या है, तत्र शौचम मृत जलादि जनितम मेध्य अभ्यवहरण आदि च बाह्यम। तो बाहर की शुचिता जो है वो मिट्टी से या जल आदि से, पहले तो मिट्टी से हाथ धोया करते ना गांव में, तो पहले वो तो था नहीं हैंडवॉश, तो बाहर से आते हमने वो एक अच्छी मिट्टी लाके एक कोने में डाल देते थे, तो वहाँ से आए थोड़ी मिट्टी उठाई हाथ धो के शुद्ध हो जाते थे। तो मिट्टी से और जल आदि से, और उसको मेध्य पवित्र किया जाता था, या तो अभ्यवहरण आदि खाना ग्रहण करना जो है वो भी हमारा सात्विक होना चाहिए, तो उससे बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। आभ्यंतरम आंतरिक शुद्धि किससे होती है, चित्त मलानाम आक्षालनम, चित्त के मलों का धुलना, उनका आक्षालन करना, उनको हटाना, इससे आंतरिक शुद्धि होती है, तब शौच पूरा होता है। तो अंदर के जो दोष हैं मलिनताएं हैं वो किससे नष्ट होती हैं, उनके लिए कौन सा साबुन है, उनके लिए है तप, सेवा, शुश्रूषा, ध्यान, प्राणायाम, ये सब उसके लिए साधन है जो हम गुरुकुल की दिनचर्या में अनुष्ठान करते हैं। जल्दी उठना, कम खाना, सात्विक खाना, तो खाने का प्रभाव भी चित्त के ऊपर पड़ता है, सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण, मन की पुष्टि होती है। तो शरीर की पुष्टि, मन की तुष्टि, बुद्धि की शक्ति, बुद्धि हमारी शक्तिशाली नहीं हो, और जो विज्ञानमय कोश है उसमें ज्ञान का अर्जन, और फिर आनंदमय कोश में परम तृप्ति। तो ये पंचकोश के माध्यम से पांचों कोशों की शुद्धि की जाती है योग के अंगों के अनुष्ठान से। शरीर की पुष्टि, मन की तुष्टि, बुद्धि की शक्ति, और मन की तृप्ति, और आत्मा की आनंद। आत्मा शक्ति संपन्न हो, तृप्त हो, ये सारी आत्मा की ही शक्तियां हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो ये सारा शौच में आएगा। शौच के बाद संतोष। संतोष है सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा। सन्निहित जो साधन है अर्थात जो अति आवश्यक साधन है वो तो रखने ही पड़ेंगे। जी इनको माइक दे दो, कुछ पूछना चाह रहे हैं मयंक जी। ओम प्रणाम बहन जी। जी ये जो सूत्र नंबर 29 है 29 हाँ, तो उसमें यम नियम इत्यादि जो आठ अंग जो बताए योग के, हाँ तो ये तो अंग बता दिए, और ये योग के अंग हैं। योग है योगा समाधि,
तो उसमें समाधि को भी ले लिया है अंग में, हाँ, तो उस तरह से अंग अंगी भाव किस तरह से बनेगा? अंग अंगी जी, अंग का मतलब है आप पूछ रहे हैं कि अंग है तो कोई अंगी भी होगा जी, तो संपूर्ण सबको मिला करके ही ये अंगी बनता है। जैसे शरीर के एक एक हाथ पैर आदि ये तो सब हो गए अंग, और इन सबको मिला के ही एक शरीर बन गया, उसको कहेंगे अंगी। इसमें जो समाधि है उसको अंग लिया है, किसको? समाधि। हाँ ठीक है, समाधि को अंग लिया, ठीक है। तो अंगी तो समाधि से इतर होना चाहिए ना कुछ? नहीं, सबको मिला दिया, सबको मिला करके जो स्वरूप बना उसको बोल दिया अंगी। और अलग अलग कहें है एक ही चीज, जैसे ये एक ही चीज है, तो जब हम कहेंगे ये हाथ ये पैर और ये गर्दन के ऊपर ये आंख नाक कान और इन सब को जोड़ दिया तो क्या बन गया? शरीर बन गया। तो शरीर इनसे अलग है हाथ पैर आदि से नहीं। या एक ही है? एक ही है, लेकिन तो कहने की विवक्षा अलग अलग है। जब हम इनको अलग अलग अंगों के रूप में कहेंगे तो यही जो स्थूल पदार्थ हैं ये अंग कहलाएंगे, हाथ पैर आदि कहलाएंगे। और जब हमारी विवक्षा इन सब को इकट्ठा कहने की है तब ये अंगी बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। तो ऐसे ही ये 8 अंग हैं योग के, तो सबको मिला देते हैं तो सबका नाम है योग। और जब अलग अलग कहने की विवक्षा है तो उनका नाम है योग के अंग। ठीक, ऐसा ही है। बताओ और बताओ क्या आपको कैसे लग रहा है? नहीं जी, अभी तक जो अभी अब अभी या फिर अंग अंगी जिस रूप तो में सब जगह एक ही जैसा नहीं होता है ना जी। कहीं गौण रूप में प्रयोग किया जाता, जैसे मैंने शरीर का उदाहरण दिया आपको, तो यहाँ अवयवी क्या है और अवयव क्या है? तो इसमें जब अवयव आप गिनवा रहे हैं तो उसमें शरीर नाम नहीं आया, शरीर की तो एक संज्ञा हो गई, आपने हाथ पैर सिर इत्यादि लिया, उस अंग में आपने शरीर का नाम नहीं लिया। इसमें जब अंग है समाधि, तो समाधि अंग में भी आया है और उसी को फिर अंगी किस तरह से मान? अंगी कहाँ कहा समाधि को, अंगी किसने कहा? ये किसी के अंग है ना, संप्रज्ञा समाधि के अंग है। नहीं ऐसे तो नहीं कहा कहीं भी, ये तो आपकी अपनी ऊहा है कल्पना, ये सब समाधि के अंग है ऐसे तो नहीं कहा। किस चीज के अंग है ये? योग के अंग है ये तो सूत्रकार ही कह रहे हैं। और योग क्या है? इन सब को मिला दिया, मतलब इससे ज्यादा सुंदर दृष्टांत कोई दिया नहीं जा सकता है। जो मैंने शरीर का दिया बिल्कुल पूरा पूरा घट रहा है। नहीं, योग समाधि का मतलब क्या है? नहीं नहीं, वहाँ समाधि का मतलब उन्होंने दिया है समाधान, वहीं पर ही तो दिया है अगली पंक्ति में। आपने एक पंक्ति तो पढ़ा भाष्य की, योग है समाधि, समाधि समाधानम, सारी समस्याओं का जो समाधान है, ये सब अनुष्ठान करते करते सारा समाधान तब होगा जब आप उस ऊंची स्थिति में पहुंचेंगे, समाधि की स्थिति में। तो समाधि को आप अंगी मान रहे हैं तो ये तो आपकी भूल है, वहां पर उन्होंने अंगी बताया नहीं समाधि को, उन्होंने तो कहा है योग को बताया है कि इन सब को मिला करके जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होगा योग। जैसे यहाँ सब अंगों को मिला करके शब्द प्रयोग किया जाता है वो है शरीर, ऐसे 8 को मिला के जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसका नाम है योग। बोले और थोड़ा खोलो योग को, और डिफाइन करो, तो बोले योग का मतलब है समाधि, तो बोले और थोड़ा बताओ, बोले समाधि का मतलब है समाधान। इस जीवात्मा की सब समस्याओं का समाधान जहाँ हो जाए उसका नाम समाधि है। तो ये कोई ऐसा अंगी कोई स्थूल पदार्थ थोड़ी है। ठीक, एक अगला है कि जो अभी अहिंसा सत्य अस्तेय जो यम है उसमें अहिंसा का फल बताया, तो अहिंसा को बता के हिंसा ना करना, और ना करने का अर्थ है कि कोई कर्म ना करना, मतलब किसी को कष्ट न देना, कष्ट ना देना। तो उसमें कोई क्रिया तो हो रही नहीं है, जब कोई क्रिया ही नहीं हो रही तो उसका फल किस तरह से प्राप्त होगा? क्रिया तो होती है ना, शरीर से भी हिंसा करते हैं तो क्रिया ही होती है, मन से भी बुरा चाहते हैं तो क्रिया, मन की क्रिया होती है, वाणी की क्रिया होती है, तो क्रिया हो ही रही है। अहिंसा, अहिंसा में तो कोई क्रिया नहीं करना, नहीं करना क्रिया, नहीं करना क्रिया किस तरह से हुई? आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो मन से क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको रोक दो।
बुरा मत सोचो। नहीं, वो समझ में नहीं आया बहन जी कि मतलब उसमें जब कोई क्रिया कर ही नहीं रहे तो रोकना क्रिया नहीं है। कोई मतलब भागी जा रही थी कोई रस्सी और आपने उसको वहीं के वहीं रोक दिया, पकड़ लिया, तो ये क्रिया नहीं है क्या पकड़ना या रोकना? तो चित्त को आपने रोक दिया बुरे विचार उठाने से, तो ये क्रिया नहीं है क्या? क्रिया तो है ये। इसके अलावा बहन जी यहाँ पर जो यम है उनको महाव्रत कहा है, नियमों को नहीं कहा, तो क्या ऐसा माने कि थोड़ा नियमों में छूट है या कुछ है? नहीं, तो नहीं नहीं उनका करना ज्यादा कठिन है इसलिए उनको महाव्रत कहा, क्योंकि ये शुचिता आदि की दृष्टि से वो कार्य अहिंसा आदि सत्य आदि वो ज्यादा कठिन है उनका अनुष्ठान करना, और उतना यदि व्यक्ति कर लेगा तो ये शुचिता आदि तो अपने आप हो ही जाएंगे, मतलब थोड़ा सरल हो जाएगा इनको करने में, तो इसलिए उनको महाव्रत कहा। ठीक, एक और कि जो तप जो आदमी 7 मंजिल पे चढ़ लेगा वो 5 पे तो चढ़ ही जाएगा। जो क्रिया योग जो बताया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसका फल भी बता दिया, समाधि भार समाधि की प्राप्ति और क्लेश तनु होते हैं, समाधि भावनार्थक क्लेश तनु पर किसका ये क्रिया योग? क्रिया योग का। हाँ, तो अभी जो इसमें नियम बताया उसमें भी इनको समाहित कर लिया गया, तो ये क्या पुनरुक्ति नहीं है ईश्वर प्रणिधान की? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों शब्दों की तो पुनरुक्ति तो एक तरह से अच्छी बात, अच्छा काम तो बार बार होता रहे तो अच्छी बात है। जो काम ज्यादा करना है, आपने न्याय दर्शन पढ़ लिया है पर शायद आपको याद नहीं है, एक होती है पुनरुक्ति, एक होता है अभ्यास। जो निरर्थक क्रिया होती है उसको बोलते हैं पुनरुक्ति, और जो सार्थक क्रिया बार बार दोहराई जाती है उसको बोलते हैं अभ्यास। एक ही सूत्र को याद कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं वृद्धि राधेच वृद्धि राधेच, तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये अभ्यास है, इससे शास्त्र का आत्मसात हो जाएगा। तो बार बार तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कहना ये अभ्यास है, क्योंकि इसी से ही आपका क्लेशों का तनुकरण होगा। एक लास्ट कि अन्य शास्त्रों में यम नियम जो 12-12 बताए गए हैं, इनकी संख्या 12 बताई गई है और यहाँ पर 5-5 बताए हैं, तो क्या उन 12 का इन्हीं में समाहित हो जाते हैं या कुछ इनसे अलग है, थोड़ा इस पे प्रकाश? वो उसमें बताए हैं, पुराणों में बताए हैं, भागवत पुराण में है 12-12 और एक अन्य पुराण में भी हैं। मेरे को दूसरे का नाम याद नहीं है, तो वो इन्हीं में ही अंतर्निहित हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त जो बताई हैं वो इन्हीं के ही अंतर्गत आ जाते हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? चलो आगे, शौच पढ़ लिया हमने। संतोष क्या है? सन्निहित साधनात् अधिकस्य, जो सन्निहित साधन है अर्थात जो नितांत आवश्यक साधन है, अपरिहार्य साधन है, उससे अधिक का अनुपादित सा अलिप्सा होना, उसकी इच्छा न होना, ये संतोष है। हाँ जी, संतोष क्या है? कौन कौन से पदार्थ अपरिहार्य हैं, सन्निहित है, इसका निर्णय कौन करेगा? एक व्यक्ति के लिए 5 जोड़ी कपड़े अपरिहार्य हैं, एक व्यक्ति के लिए 2 जोड़ी अपरिहार्य हैं, एक व्यक्ति के लिए 1 जोड़ी अपरिहार्य हैं और एक के लिए उतने भी नहीं हैं, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि हमारे लिए कितना अपरिहार्य है? जिन व्यक्तियों को आप कहते होगे जी आपके पास तो आपने बहुत सारा रख रखा है घर में, निकालो इसको, वो व्यक्ति कहता है आपको क्या पता, आप तो साधु हैं सन्यासी, हम तो गृहस्थी हैं, हमें पता है ना हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा लोक व्यवहार चलेगा कैसे, पता नहीं कब कौन आ जाए, उसको हमें देना पड़ता है, हमारे संपर्क इधर उधर हैं इसलिए हमें ये सब रखना पड़ता है। तो बोले फिर आप तो योगी नहीं है, आपको संतोष नहीं है। अब कोई पतंजलि में आए तो बोले सन्यासी होकर के आपने कितने सारे ये मकान बना डाले, इतने तो गृहस्थियों के पास भी नहीं है, तो आप तो संतोषी नहीं है, योगी नहीं है। तो कितना अपरिहार्य है इसका निर्णय कौन करेगा? दिगंबर भी तो रहते हैं ना कुछ लोग, उनको एक कपड़े की भी जरूरत नहीं है, किसी को एक की है, किसी को 2 की, किसी को 5 की। कार्य की दृष्टि से आप भी सन्यासी हैं, आप भी दोनों एक ही जैसे सन्यासी हैं, पर एक कहता है मेरा 3 जोड़ी में काम चलेगा, आप कहते हो 2 में चल जाएगा,
तो अब कौन निर्धारण करे? तो निर्धारण तो नहीं हुआ ना कि कौन सा संतोषी है और कौन सा असंतोषी है। क्यों, जब दो के तीन कर सकते हैं तो 15 भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है कि उसके लिए 15 ही जरूरी हो, जैसे आपके लिए 3 जरूरी हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, आवश्यकता का निर्धारण कौन करेगा भाई? कितनी आवश्यकता है ये निर्धारण कौन करेगा? तो ये व्यक्ति ही करेगा। और व्यक्ति को क्या सोचना है, ये महाराज जी का पुराना सूत्र है, क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है? तो जिसके बिना काम चल सकता है वो फालतू, और जिसके बिना काम ना चले वो अपरिहार्य। तो ऐसे हम कई बार मतलब बिना जागरूक हुए बहुत सारे सामान घर में लाते रहते हैं, भरते रहते हैं, और फिर दिवाली पे देखते हैं इसके बिना तो काम चल जाएगा, इसको निकालो, फालतू का है ये, इसको निकालो तो बोरी भर जाती है कचरे की। किसी दिन लाके उसको सजाया था तो वो चाहिए, वो लग रहा था कि आवश्यक है, एक साल के बाद ही वही अनावश्यक लगता है कि फालतू में इसने जगह रोक रखी है। तो ये सब हमारे चित्त के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इनका ये कहना है कि भाई जिसके बिना आपका काम ना चले उतनों को रख करके अधिकस्य अनुपादित्सा, और अनुपादित्सा का मतलब है अपने लिए न जाना, दूसरों के लिए यदि आप संसाधन जुटा रहे हैं उसकी ये मनाही नहीं कर रहे हैं। आपको अपने लिए तो एक जोड़ी ही कपड़े आपको पर्याप्त लग रहे हैं, पर मान लो आपको कोई 100 जोड़ी दे जाए तो बांट दो दूसरे को, उसमें क्या दिक्कत? आपको अपने रहने के लिए तो एक कुटिया ही पर्याप्त है, पर यदि 1000 कमरों में 1000 लोगों को सुख दिया जा सकता है तो रहने दो उनको 1000 लोगों को। तो इसमें ये संतोष को समझना भी ना थोड़ा सा इसमें डूबने जैसी बात है। तो संतोष का सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित्सा, और वो क्या है, शौच संतोष तप क्या है, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ये तप है। लेकिन यहाँ पर अगली ही पंक्ति में ये बताएंगे यथा योगम, कितना तप करें जितना हो सके। तपो द्वंद्व सहनम, और द्वंद्व क्या है, जिगित्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठ मौन आकार मौने च, ये सब द्वंद्व हैं, भूख प्यास उसको सहन करना। पर कितना सहन करना, जब शरीर मर ना जाए, ऐसा ना हो कि मतलब इतना ज़्यादा भूखा रहा कि अब उससे बोला ही नहीं जा रहा है। जैसे बापू बता रहे थे ना कि वो बेंगलुरु में किसी व्यक्ति से मिलने गए तो बोले इनका 4 महीने से वो उपवास चल रहा है, तो हमने सोचा कि भाई उनके दर्शन करें ऐसे महातपस्वी के, और बोले हम गए तो वो मतलब इतना ज़्यादा खीज से भर चुका था भूखा रहते रहते कि हमारी तरफ देखा भी नहीं, बोला भी नहीं, मुंह उधर कर लिया, और उसको बोलते ही झुंझलावट पैदा हो रही थी। तो फिर ये फायदा नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है ना इतना तप, तो खा लेना चाहिए थोड़ा। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी तप किया तो वो नुकसान कर रहा था, तो किसी महिला ने ही उनको उपदेश दे दिया कि इतना भी ज़्यादा मत खींचो इस वीणा के तारों को कि टूट ही जाए, और इतना भी लूज मत करो कि उससे स्वर निकलना ही बेसुरा स्वर निकले, स्वर निकलना ही बंद हो जाए। तो मीडियम कस के रखो वीणा के तारों को तो सुंदर स्वर निकलेगा। तो वो मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से उनको बताना चाह रही थी, और उन्होंने उसको समझ लिया, उसी दिन से फिर खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये भूख प्यास इनको सहन करना ये तप है, शीतोष्ण को सहन करना तप है, स्थानासन खड़े रहना बैठना, कितना खड़ा रहना है कितनी देर बैठना है ये भी तप है, काष्ठ मौन आकार मौन ये भी तप है। काष्ठ मौन मतलब सब इंद्रियों का, मन का भी वाणी का भी, उनको एकदम से रोक देना और उनको अंदर की तरफ मोड़ देना, किसी को देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है,
स्मृति भी नहीं है, केवल एक ही परम तत्व में सारी शक्ति को जोड़ के रखना, तो इसको कहेंगे कास्ट मौन, आकार मौन। केवल वाणी से नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन से क्रियाएं कर रहे हैं, लिख के दे देते हैं या इशारे से बता देते हैं, तो ये केवल वाणी का मौन है। तो वाणी के मौन से भी बहुत सारे झंझट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से कई सारे खड़े हो जाते हैं, तो बोलता नहीं है व्यक्ति तो काफ़ी उससे बच जाता है। फिर ये सब तप की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कह रहे हैं व्रतानि च येषां यथा योगम, ये जो व्रत हैं शौच संतोष तप, पहले वालों को तो महाव्रत कहा था, इनको क्या कह रहे हैं व्रत। ये जो व्रत हैं यथा योगम, जितना हो सके जितना व्यक्ति सहन कर सके उतना ही करना चाहिए। और इन्हीं व्रतों में आगे और भी व्रत बता रहे हैं, कृच्छ्र चांद्रायण सांतपन आदिनी, तो ये भी व्रत हैं, कृच्छ्र चांद्रायण व्रत और सांतपन व्रत, ये भी व्रत हैं। तो इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर इनकी चर्चा करेंगे इन व्रतों की। शौच संतोष तप, स्वाध्याय क्या है, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। पहले वाले भाष्य में भी यही कहा था भाष्यकार ने, यहाँ भी वही परिभाषा दे रहे हैं, पहले सूत्र में भी यही बताया था, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना तो ये स्वाध्याय है। और प्रणव आदि जो मंत्र हैं, ओंकार गायत्री आदि, उनका जप करना ये स्वाध्याय है। तो इसको यम नियमों में लिया है, तो कम से कम जैसे महाराज जी योगाभ्यास के बाद 5 बार 10 बार ओंकार का उच्चारण करवाते हैं ना, उद्गीत प्राणायाम, ऐसे 5-7 मिनट हमें रोजाना यज्ञशाला के लिए निर्धारित करके रखना चाहिए, या तो प्रारंभ में या तो बाद में। तो 5 मिनट सब ओंकार का जप करेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, नियमों के अंतर्गत आ जाएगा, यम नियमों में। एक ये भी, जैसे शुरू शुरू में मन लगता नहीं है ना, तो शुरू में 5 मिनट केवल ओंकार का जाप कराओ या गायत्री का कराओ, तो चित्त फिर थोड़ा स्थिर हो जाता है। उसके बाद फिर संध्या करवाओ या उसके मंत्रों का उच्चारण करवाओ, संध्या के मंत्रों का। तो इसको स्वाध्याय कहा इन्होंने। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, वो जो परम गुरु परमेश्वर है उसमें सब कर्मों को अर्पण कर देना, समर्पित कर देना, सब काम करके और शाम को बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस जिस काम में आपने लगाया, जैसा जैसा हुआ अच्छा बुरा, सब आपको समर्पित, कोई फल की इच्छा नहीं है, बस आपकी भक्ति मिले मुझे, भगवान की भक्ति का वरदान मिले, बस इतना ही मांगना। तो ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है। तो कुछ तो पूरे दिन याद नहीं रहता है तो शाम को समर्पित कर दो, और करते करते याद रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हर पल ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में, तो ये तो उससे भी आगे की स्थिति है। इन्होंने वो ही बताया है, हर पल वाला ही। शय्या आसनस्थोथ पति पथि व्रजन व स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयमीक्षमाण स्यान नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शैया जब सो रहा है तो भी कैसे रहे, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में, योग निद्रा, नहीं तो सोते सोते भी तो व्यक्ति का मन विचलित होता है, तो सोए तो भी कैसे सोए, जैसे भगवान की ही गोद में सो रहे हैं। और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है। शैया आसनस्थो अथ, या आसन पे बैठा है तो भी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में। पथि व्रजन, कहीं चल रहे हैं पथ पे तो ये भी ईश्वर प्रणिधान से युक्त होना चाहिए। पथि व्रजन व स्वस्थ, स्वस्थ माने स्वात्मनि स्थित, आत्मनिष्ठ। परीक्षीण वितर्क जाल, जिन्होंने सभी वितर्क जालों को हटा दिया है, क्षीण कर दिया है, तो वो व्यक्ति क्या है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति से युक्त है। परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयम, संसार का बीज क्या है, अविद्या, अविद्या के कारण ही तो हम संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। संसार बीज क्षयम ईक्षमाणः,
संसार के बीज को नष्ट करते हुए कि भाई मैंने ये काम किया, तो ये काम करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अविद्या का नाश कर रहा हूँ। जैसे मानो कोई सेवा कर रहा है, तो ये सेवा क्यों कर रहा हूँ मैं, इस सेवा के माध्यम से ही चित्त मेरा पवित्रता से युक्त होगा और अपवित्रता का नाश होगा, तो मैं अविद्या का नाश कर रहा हूँ। मैं ये उपासना कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, ये सब काम करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, संसार का जो बीज है अर्थात अविद्या, अविद्या का मैं नाश कर रहा हूँ और विद्या की वृद्धि कर रहा हूँ। तो ये ईश्वर प्रणिधान है। स्यात् नित्य मुक्त, तो ऐसे करते करते वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, नित्य मुक्त। नित्य मुक्त माने हर पल मुक्त अवस्था जैसा ही रहेगा, जो हमेशा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनके अनुग्रह में रहता हुआ सब कर्म कर रहा है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति नित्य मुक्त, वो नित्य मुक्त ही है। अमृत भोग भागी, अमृतत्व का आस्वादन कर रहा है वो प्रतिपल, उसका भोग कर रहा है अमृतत्व का, तो ये ईश्वर प्रणिधान है। यत्र इदम उक्तम, तो इसके बारे में क्या कहा है, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराया अभावश्च। यम नियमों का पालन करने से या तो ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करने से क्या होगा, प्रत्यक चेतना अधिगम, जो अपना निज स्वरूप है, चेतन तत्व है, वो तो अधिगम हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और अंतराया अभावश्च, जो क्लेश थे, व्याधि आदि जो अंतराय थे, नो या दुख दौर मनस्य आदि थे, उन सब का अभाव हो जाता है। तो ये हो गए यम नियम। यहाँ पर इन्होंने ये जो ना व्रत, उसके बारे में बताया है, कृच्छ व्रत, चांद्रायण व्रत, सांतपन व्रत, तो इनका बताया है। शरीरस्य विकार भाव रूपम योग गमन अतिक्रम्य यथा योगम, शरीर जितना सह सके उतना ही किए हुए ये व्रत भी तप हैं और योगी के द्वारा परिपालनीय हैं। तो इनका संक्षेप में वो बताया है स्वरूप। कृच्छ व्रत कहते हैं 3 दिन तक केवल प्रातःकाल मुर्गी के अंडे के बराबर छोटे छोटे 26 कोर भोजन के बना लो। पहले 3 दिन 26 ग्रास खाने हैं, इतने छोटे छोटे, मतलब जितना मुंह में आ जाए, एक दिन में 26, अगले दिन भी 26, अगले दिन भी 26, 3 दिन तक 26 खाने हैं। बस जितना आपके मुंह में आए, मुर्गी का अंडा पता नहीं मुंह में आए कि ना आए, मतलब 26 कोर खाने हैं, ये है बात। पूरे दिन नहीं खाना, सुबह सुबह खाना है बस, एक ही बार में 26 ग्रास खाने हैं सुबह सुबह, पूरे दिन कुछ नहीं खाना। फिर ऐसे 3 दिन करना है, फिर अगले 3 दिन केवल सायंकाल 32 कोर खाने हैं। 3 दिन सुबह सुबह 26 खाई, फिर चौथे दिन, चौथा, पांचवें, छठे दिन शाम को 32 कोर खाना है, तो 6 कोर बढ़ गई ना। और फिर अगले 3 दिन केवल 24 कोर खाने हैं, किस समय खाना है वो नहीं बताया। तो कुल मिलाकर के कितने दिन हो गए, 9 दिन का है ये व्रत, कृच्छ व्रत। नहीं, 9 दिन का नहीं, 12 दिन का है। हाँ, तीसरे दिन 24 खाए और बाद में 3 दिन पूरा उपवास किया, कुछ भी नहीं खाया। तो पहले 3 दिन 26, अगले 3 दिन 32, उससे अगले 3 दिन 24 और उससे अगले 3 दिन बिल्कुल उपवास। तो ये है 12 दिन का कृच्छ्र व्रत। फिर चांद्रायण व्रत है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करें, माने अमावस्या के अगले दिन जो है उस दिन प्रारंभ किया, और चंद्र कलाओं के अनुपात से 1 से 15 कोर भोजन करें, माने प्रतिपदा को केवल 1 ग्रास खाना है, अगले दिन 2 ग्रास, उससे अगले दिन 3 ग्रास, ऐसे आप पहुंच गए पूर्णिमा को पूरा 15 ग्रास,
15 कोर खाने,